अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे वड़े। चलिए फ्रेंड्स, किस तरह बनाएंगे देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर माश की दाल ले लिया है 1 कप भर के, और मैं इसे 2 से 3 घंटे टाइम के लिए भिगोने के लिए रख दी थी। और अब मैं इसे बिना पानी डाले हुए एक जार की मदद से पीस लूँगी। 1 चम्मच नमक डाल के देखिए आप पीस के ये दाल तैयार हो चुकी है। इस समय पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कटी हुई प्याज। आप चाहे तो 1 सारी प्याज भी डाल सकते हैं, जितना ये आटे के हिसाब से। मैंने 1/2 प्याज लिया है और एक हरी मिर्च लिया है बारीक पीसों में कट की हुई। अब इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च 7 से 8 काली मिर्च डाल लेंगे। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। अब मैं अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहे तो इसमें थोड़ा अदरक का पीस डाल के, जब हम दाल पीसते हैं जब डाल के पीस लीजिएगा। अब मैं इसे देखिए कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दी थी। अब थोड़ा थोड़ा आटा उठा के हम इस तरह इसे गोल शेप बना के फ्राई कर देंगे। देखिए कितनी आसानी से बन गए ना हमारे वड़े, बहुत अच्छे थे। आप भी आपके घरों में ज़रूर से एक बार बनाना। मैं तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताई हूँ फ्रेंड्स, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में ये वड़े बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए अभी भी बना दीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।